हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बैंगन का भरता बनाएंगे। बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले दो बड़े साइज के बैंगन लेंगे। ध्यान रहे बैंगन पे एक भी दाग नहीं होना चाहिए। अब हम बैंगन पर बीच में से कट लगा देंगे और ये जरूर ध्यान रखें कि हम उसको पूरा नहीं हाफ कट ही लगाएंगे। काटते समय ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी कीड़े नहीं होने चाहिए। ये बैगन एकदम सही है। अब हम इसको गैस पर भून लेंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। और एक एक मिनट बाद बैगन को थोड़ा थोड़ा पलट कर इसे चारों तरफ से भून लेंगे। अब हम बैगन को दूसरी साइड से भी भून लेंगे। इसी तरीके से हम इसे धीरे धीरे पलट कर हर तरफ से अच्छे से भून लेंगे। देखिए ये चारों तरफ से अच्छे से भून चुका है। एक बार हम इसको टैप करके देख लेंगे। अगर ये सॉफ्ट है इसका मतलब ये भुन गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे बैगन को भी भून लेंगे। दोनों बैगन अच्छे से भुन चुके हैं। हम इसको हल्का ठंडा कर लेंगे जिससे हम इसका छिलका आसानी से उतार सके। ध्यान रहे हम इसको एकदम ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि फिर इसका छिलका उतारने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसको छील लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से छिल जाएगा। अब हम इसके ऊपर के डंटल को भी निकाल देंगे। अब हम इसको खोल लेंगे। खोलते समय इसे एक और बार चेक कर लेंगे। अगर इसमें कोई कीड़ा निकलता है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे और दोबारा से दूसरे बैगन से स्टार्ट करेंगे। अब हम बैगन का भरता बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई लेंगे और उसको गैस पर रख देंगे। अब इसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, अब इसमें चुटकी भर हींग, एक चम्मच जीरा, दो कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डालकर इन सभी को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें दो कटे हुए टमाटर, आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इन सभी को भी फ्राई कर लेंगे। इसको दो मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि टमाटर जल्द से जल्द पक जाए।
दो मिनट हो चुकी है, अब हम इसको एक बार खोल के देख लेंगे। देखिए टमाटर एकदम पक चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम बैंगन के पल्प को इसमें डाल देंगे। हम इसको कढ़ाई में थोड़ा मैश कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अगर आपको कलची से मैश करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसे पोटैटो मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं। देखिए ये अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसमें उबले हुए मटर, एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच अमचूर पाउडर डालकर इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब लास्टली इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। बैंगन का भरता बन गया है, अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बैंगन का भरता बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और चावल के साथ तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। आप इसे रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।